हे दोस्तों, अगर मैं बात करूं नोकिया के बारे में तो यहाँ पे HMD ग्लोबल लेके आ रहा है बहुत ही शानदार शानदार फोन। और यहाँ पे एक और लेकर के आ गया है नोकिया अपना नया वेरिएंट नोकिया 6.1 के नाम से। क्या फोन की स्पेसिफिकेशन है, क्या फोन की प्राइसिंग और इंडिया में हम इस फोन को कब तक खरीद पाएंगे, तो आज आप देखते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और घंटी तो दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, अगर मैं बात करूं नोकिया के बारे में तो यहाँ पे नोकिया, चाहे वो बात कर लीजिए 5 की, नोकिया 6 की बात कर लीजिए या फिर बात कर लीजिए नोकिया 6.1 की, जिसे 21 अगस्त को इंडिया के अंदर कर दिया जाएगा लॉन्च। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस फोन की तो यहाँ पे ये बजट फोन के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस देगा एक फ्लैगशिप फोन होने का भी, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी बहुत ही अच्छी कॉन्फिग्रेशन इस फोन के अंदर मात्र 20,000 रुपए के अंदर। दोस्तों, फोन की कीमत तो मैंने आपको बता दी, अगर मैं बात करूं फोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि क्या है भैया इस फोन के अंदर ऐसा खास कि जिसके लिए आपको खर्च करने चाहिए 20,000 रुपए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहां पे आपको डिस्प्ले मिल जाती है 5.8 इंचेस का फुल HD एमुलेटेड डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके रेजुलेशन की तो यहां पे रेजुलेशन भी आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, 1080x2280 का आपको पिक्सल्स देखने को मिल जाते हैं रेजुलेशन में, जो कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देंगे जब कभी भी आप अपने फोन के ऊपर HD वीडियोस को प्ले करेंगे या फिर कोई भी गेम खेलेंगे तो वहां पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पे फोन प्रोटेक्शन के लिए तो यहां पे गोरिल्ला ग्लास 2.5 दिया गया है। अगर ऐसा कभी होता है कि फोन आपका छूट जाता है आपके हाथ से तो वहां पे भैया थोड़ा सा नुकसान होने से बच सकता है आपके फोन का, क्योंकि यहां पे गोरिल्ला ग्लास 2.5 आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं नॉच के बारे में, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक जैसे कि ट्रेंड आ गया है कि नॉच वाली डिस्प्ले के फोन ज्यादा आपको पसंद आ रहे हैं और ज्यादा फोन वही बिक रहे हैं, तो यहाँ पे नोकिया भी लेके आया भैया आपके लिए नॉच इस फोन के अंदर। साथ के साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर ऑक्टाकोर के साथ में। और यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस फोन की रैम के बारे में तो वो होगी 4GB। फोन का अभी ऐसा नहीं पता चल रहा है कि फोन 6GB वेरियंट में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए 4GB वेरियंट। और रोम की अगर मैं बात करूँ तो 64GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस फोन की बैटरी बैकअप की तो वो भी ठीक ठाक ही, अगर हम कहें तो 3060mAh की बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैमरास के बारे में, क्योंकि कैमरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फी की बात करते हैं हम, बहुत ज़्यादा वीडियोस की बात करते हैं, तो वहाँ पे मेन रोल प्ले करता है वहाँ पे किसी भी फ़ोन का कैमरा। तो HMD ग्लोबल ने इस फोन के अंदर जो कैमरास लगाए हैं, अगर मैं बात करूँ ड्यूल कैमरा आपको सेटअप मिल जाएगा रियर कैमरा के लिए 16MP का, और अगर मैं बात करूँ दोस्तों फ्रंट कैमरा की तो वहाँ पे आपको मिल जाता है 5MP का फुल HD कैमरा, जो कि आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये थी स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे जस्टिफाई करता है क्या आपका ये जो नोकिया 6.1 है 20,000 रुपये में, आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से कीजिएगा आप इस वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, और उन्हें भी पता चले कि नोकिया का कौन सा फोन अभी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है रिसेंटली 21 अगस्त को। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।